Now we are starting question number 26, miscellaneous exercise. अभी हमारे पास चल रही है class 12. The slope of the tangent, को slope of the tangent निकालना काफी आसान होता है. Slope of tangent क्या रहता है? dy by dx आपके पास ये रहता है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास parameter दे रखा है. parameter कितना है हमारे पास? t है. तो आपको पहले dx by dt निकालना है. और dx by dt आपके पास क्या रहेगा सर? 2t plus 3. बात समझ रहे? और यहाँ पर dy by dt आपके पास क्या रहेगा सर? ये रहेगा 4t. और उसके बाद आपका कितना आएगा? माइनस टू हो रहा है. तो आप किस तरह से कहेंगे कि जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, वो क्या आएगा? dy by dx आएगा. और वो आएगा आपके इसके अपॉन ये रखोगे 4t माइनस टू बाई 2t प्लस 3. अब मेरे पास जो यहाँ पर ऑप्शन होता है x है y है, बट x y वेरिएबल इसमें है नहीं. इसमें कौन सा वेरिएबल है? t. तो मुझे यहाँ पर ये ढूंढना होगा कि t कितना है. और t कितना है उस चीज को लेने के लिए पहले मुझे t को फाइंड करना है. तो t को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं? x और y की इन वैल्यूज को यहाँ पर रखकर t की वैल्यूज को फाइंड करूंगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. आप इसे फर्स्ट और सेकंड मान लो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. ठीक है, तो आपके पास यहां पर अब ऑप्शन चालू हो रहा है. तो आपने यहां पर x के प्लेस में 2 रख दिया है. तो 2 इक्वल टू t स्क्वायर आपके पास है प्लस 3t माइनस 8 है. तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0. आप फैक्टर बना लीजिए सर, बिल्कुल इजी है ना. इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर स्पीड को तेज रख रहा हूं. 5t माइनस आपके पास 2t माइनस 10 इक्वल टू 0. आप t कॉमन लीजिए तो आपके पास हो गया t प्लस 5. माइनस 2 कॉमन लीजिए, t प्लस 5 हो गया है. तो ऑप्शन हो गया t माइनस 2 और यहां पर हो गया है t प्लस 5 इक्वल टू 0. दैट इज t इक्वल टू 2 एंड दैट इज t इक्वल टू माइनस 5. एक साइड से तो ऑप्शन आ गए. अब दूसरा वाला माइनस 1 यहां पे रख लीजिए. माइनस 1 आपने यहां पे रखा हो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 ये आपके पास है. तो आप इसे किस तरह से लिखोगे? 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0. और दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0. 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस में वो 2 आए. तो क्या ऑप्शन रहेगा? 2t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0. 2t आप यहां से कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचा? यहां बच गया t माइनस 2. और यहां पर से आप जो है 2 को कॉमन लीजिए तो t माइनस 2 इक्वल टू 0. तो दैट इज 2t प्लस 2 और t माइनस 2 इक्वल टू 0. तो आपके पास 2t प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 2t इक्वल टू माइनस 2t इक्वल टू माइनस 1. और इसी तरह से t इक्वल टू 2. आप देखेंगे जो t इक्वल टू 2 है, ये दोनों साइड पर कॉमन है. इस साइड से भी कॉमन है. तो जो कॉमन होता है ना, उस पॉइंट को हमें लेना है. तो यहां से हम कॉमन पॉइंट को लेंगे. तो कॉमन पॉइंट हमने t यहां पर कितना रखना है? 2 रखना है. तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy अपॉन dx एट t इक्वल टू 2 वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सर आपका 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3. दैट इज 8 में से 2 गए 6 और 2 टू 4 और 3 7. 6 by 7 इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट रहेगा. आई होप ये इजी सा सम इजीली तरीके से आपने समझ लिया होगा. अगर ऐसे ही सम्स आप आसानी से सीखना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल. थैंक यू.